हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एलपी सीवीटी 2। तो देखिए, इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में ज़्यादा आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पार्ट बी में। तो देखिए, पार्ट ए में अगर आप लोग जनरल ओबीसी और एसटी से हो, आपका अगर ट्रेड आईटीआई एंड डिप्लोमा हो, तो आपका अगर नंबर 40 से लेके 50 नंबर हो के बीच में अगर वेरी कर रहा है, तो आप लोग सेफ हैं। अगर उससे ऊपर है तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो। तो देखिए, यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ 40 से 50 के बीच में, क्योंकि कुछ जोन है जिसमें कट ऑफ कम जाती है उनके लिए 40, और जो अगर हाई जाती है उनके लिए 50 नंबर। तो ये है आईटीआई एंड डिप्लोमा के लिए, और उसके बाद ओबीसी एसटी, इसी अनुसार से आप लोग अपने, अगर सिर्फ आप लोग जितने रेलवे डिसाइड किया था परसेंटेज, उतना ही अगर उससे दो चार नंबर आगे हैं तो आप लोग सेफ हैं। अगर उस उतना भी अगर हैं तब पर भी सेफ हैं। ये रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं है। तो आप लोग, नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ से आप लोग का नंबर इंक्रीज होगा। तो आप लोग अगर कटअप दो चार नंबर हाई भी जाती है, अगर परसेंटेज जितने डिसाइड किया है, तो नॉर्मलाइजेशन में उतने नंबर उससे ज़्यादा ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग ग्रुप डी में अभी देख सकते हैं, या रेलवे आरपीएफ में देख सकते हैं, एसआई में देख सकते हैं, या कांस्टेबल में देख सकते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है नॉर्मलाइजेशन में। अब बात करते हैं पीसीएम की पार्ट ए के लिए। तो पीसीएम के पार्ट ए के लिए बात करें तो अगर आपके 65 से लेकर 70 में हैं रॉ मार्क्स, तो आप लोग भी सेफ हैं कोई भी जोन हो आपका। अब बात करते हैं कि देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा अभी भी कमेंट आ रही है पार्ट बी के लेके। तो इस पर भी मैं पूरा डिटेल्स बात करूँगा, और साइको के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम इस वीडियो पर 500 लाइक करिए और 500 कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशनल मिलती है, मोटिवेट होता हूँ मैं भी यहाँ से। और क्योंकि इससे देखिए, आपको लाइक से मुझे कोई मतलब पैसे चाहे कुछ नहीं मिलते हैं, अगर आप लोग सिर्फ लाइक करते हैं तो उसी लिए मुझे बहुत मोटिवेट मिलती है कि इससे मैं कोई भी दूसरा अपडेट या वीडियो बनाने के लिए आगे फिर से मतलब बना सकूँ। तो चलिए, हम बात करते हैं पार्ट बी के। तो सबसे बड़ी बात है पार्ट बी में जिनके 26.25 से ज़्यादा नंबर हैं, वो लोग तो साइको को तैयारी कर चुके हैं, या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए हैं, या बुक से खुद से तैयारी कर रहा हूँ मैं, पेपर आप लोग का करता हूँ। आप लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए जहाँ साइको की तैयारी होती होगी। तो आप लोग अपने अपने स्टेट में जहाँ भी साइको के हर जगह तैयारी होती है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस करने से आप लोग ये फ़ायदा मिलेगी कि देखिए, वहाँ टीचर के द्वारा कुछ बताया जाएगा तो कुछ ट्रिक होगा, जिससे यहाँ पे मतलब साइको है सिर्फ स्पीड का खेला। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप लोग नहीं कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई ज़्यादा अथी नहीं है, खाली स्पीड मतलब मैटर करता है। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर कर लें, और ख़ुद से बुक से भी प्रैक्टिस करें। अब जिनके बात है कि 26.5 नंबर 25 सॉरी मैं इसको 5 ही मानता हूँ, 25 कहिए से नंबर कम हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं सब वीडियो में आपको बता रहा हूँ जिनके 20 से लेके 22.65 के बीच में हैं मतलब, तो वो लोग भी नॉर्मलाइजेस मतलब साइको की तैयारी करें। लेकिन आप लोगों को सिर्फ कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है अभी कोई भी इंस्टीट्यूट, आप लोग को सिर्फ मैं दो बुक बता रहा हूँ। अगर आप रेलवे एलपी किरण की एक बुक ले लें, या विद्यासागर की एक बुक आती है, ये परचेज कर लें, कोई भी बुक दोनों परचेज कर लें, तो उसी एक बुक से अपने खुद से भी प्रैक्टिस करें। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तब उसके बाद आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे और आपका स्पीड बढ़ जाएगी। अब मैं दोनों में से बुक बेस्ट मानता हूँ विद्यासागर वाली बुक, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे मतलब जो आंसर है, ऑप्शन है, वो गलत दिया हुआ है, तो इसको मतलब आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोग ये वाली बुक विद्यासागर वाली परचेज करें, एसएम वाली या एएलपी वाली भी बुक आती है, वो भी परचेज कर सकते हैं, दोनों में से कोई बेस्ट रहेगा। तो यहाँ से बुक की बात होगी। अब बात है कि देखिए, पार्ट बी के लिए और भी कमेंट है जो डाउट है, कि अब बात होती है कि पार्ट बी में किन्हीं का 20 से कम है, जैसे 18-20 वाले के बात करते हैं, 19 वाले के, तो वो लोग भी होप रखें कि हो सकता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर बढ़ जाए। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बुक परचेज कर लें। तो चलिए, अब बात करते हैं कि कुछ कमेंट आ रही है कि मेरे
कुछ के ट्रेड जैसे हैं वो सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है, तो उनका नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा? एक शिफ्ट में तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तब हम आपको फिर बताएंगे। तो मुझे अनुसार से कोई भी एक शिफ्ट नहीं है, सभी शिफ्ट में लड़के सभी मिक्स थे। आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो कोई भी देखे होंगे कि एक शिफ्ट में सभी मिक्स करके एग्ज़ाम लिया गया है। तो हो सकता है कि अगर आपका एक शिफ्ट में हुआ होगा तो इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जैसे ही इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको क्लियर करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड कम से कम मिनिमम 500 लाइक ज़रूर कीजिए और 500 कमेंट प्लस कमेंट ज़रूर करके आप लोग कीजिए। तो चलिए, हम आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कुछ थॉट सुनाते हैं जो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। देखिए, इसमें इनके द्वारा बहुत बेरे बताते थे, इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है, इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इससे देखिए बहुत मोटिवेशनल है। तो आप लोग इंतज़ार नहीं कीजिए, अभी भी ग्रुप डी ये सब के मतलब आई हुई है फॉर्म, फिर से लेवल 1 ये सब को अप्लाई करिए और बहुत सारी वैकेंसी आते हैं उसको भी अप्लाई करते रहिए। हो सकता है इधर नहीं, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर इधर तो ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग इंतज़ार मत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बुक ज़रूर ले ले, जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो भी प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके डाउट को क्लियर करें और लाइक ज़रूर करना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट अपडेट आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।